हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, आप सभी लोग यूट्यूब के लिए या ब्लॉग के लिए फोटोज वीडियोज डाउनलोड करते हैं, न्यूज सर्च करते हैं, तो बड़ी समस्याएं होती हैं। पर्टिकुलर न्यूज सर्च करना हो, मुझे केवल एक घंटे पहले का न्यूज सर्च करना हो या मुझे केवल फोटोज सर्च करनी हो, मुझे गूगल से सही तरीके से सर्च करते हैं। आप सभी लोग सर्च करते हैं, नो डाउट, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल से सही तरीके से कैसे सर्च करते हैं। एक और बात, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। दोस्तों, हम गूगल के सर्च बार में टाइप करेंगे google.com और इंटर कर देंगे। जैसे ही हमारा गूगल ओपन हो जा रहा है, गूगल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे होंगे, दिख रहे हैं। गूगल सर्च का ऑप्शन दिख रहा है और दूसरा आई एम फीलिंग लकी का ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमको कुछ भी सर्च करना है, तो हम हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम टाइप करके सर्च कर सकते हैं और दूसरा वॉइस कमांड से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने टाइप किया टॉक विद तनवीर, अब हम क्या काम करते हैं, गूगल सर्च पे क्लिक करते हैं। जैसे गूगल सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो भी उसका रिजल्ट रहेगा वो हमें डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अब गूगल वॉइस पे बस क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप टॉक विद तनवीर फिलिंग लकी पे क्लिक करेंगे तो जो टॉक विद तनवीर का पहला रिजल्ट होगा सबसे पहले वही डिस्प्ले होगा। चलिए क्लिक करते हैं फिलिंग लकी पे। टॉक विद तनवीर में पहला हमारी पहला लिंक जो है, पहला रिजल्ट जो है हमारी वेबसाइट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसलिए हम जब इस पर सर्च करेंगे आई एम फीलिंग लकी पे तो पहला जो है वो हमारी वेबसाइट ही डिस्प्ले होगी। वह केवल आज तक की वेबसाइट्स होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आज तक का, केवल और केवल आज तक का ही दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि CAA के बारे में ही बताएं, लेकिन उस वेबसाइट में शो ही ना हो, तो यहाँ पे माइनस टाइप करेंगे और आज तक और इंटर प्रेस कर देंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो भी रिजल्ट हमें CA से रिलेटेड आएगा वो आप देख सकते हो कि आज तक का रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, भारत का, न्यूज क्लिक का, इसके वाला और अलग अलग चैनल के दिखा रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट के, लेकिन आज तक का नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि अगर मुझे किसी वेबसाइट का पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि किसी खास वेबसाइट का रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो, तो CAA के बाद हम क्या काम करते हैं, जैसे NDTV वेबसाइट का रिजल्ट CAA से रिलेटेड आए तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे साइट, फिर कॉलन और कॉलन के बाद NDTV.com और इंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि NDTV.com सारा सब कुछ जो है NDTV से ही डिस्प्ले हो रहा है और सारा रिलेटेड जो है वो CAA से ही है। दोस्तों, अगर आप कोई भी इमेज जो है अपने YouTube वीडियोस के लिए या अपने ब्लॉग के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में, तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि पहले गूगल ने कुछ अलग तरीके थे, लेकिन अब उसने पॉलिसी चेंज कर दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मुझे एप्पल का ही इमेज डाउनलोड करना है, एप्पल क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ से इमेज पर। इमेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, टूल्स पे क्लिक करेंगे के बाद अब यहाँ यूजेज राइट पहले ऑप्शन देता था लेवल फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन, लेकिन अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है, इस पर क्लिक करेंगे अगर आप फ्री में ईमेल डाउनलोड करना चाहते हैं और यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ से इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे और जो भी इमेज दिख रहा है आप यहाँ से आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियोज के लिए या अपने ब्लॉग के लिए फ्री में। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप टाइम देखना चाहते हैं जैसे, तो टाइम टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो जो इस टाइम टाइम हो रहा है जहां पर भी,
और कहाँ कहाँ हो रहा है, जैसे 2:43 लखनऊ में 1 नवंबर, और इसके अलावा IST भी दिखाई दे रहा है, इसके अलावा टाइम भी दिखा रहा है IST, टाइम के अलावा आपको लोकेशन भी दिखा रहा है, लखनऊ और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी दिखा रहा है। जैसे अगर आप इसके अलावा मान लीजिए यहाँ बैठे हैं और पूरे दुनिया में कहीं का भी टाइम देखना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए टाइम के बाद आप लिखेंगे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का टाइम सर्च करते हैं, टाइम न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में भी 4:14 हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आप कहीं का और टाइम सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि वेदर मौसम कैसे सर्च करेंगे, तो आपको क्या करना है, WEATHER वेदर लिखना है और इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 31 सेल्सियस टेम्परेचर है लखनऊ का। आपसे मान लीजिए मुझे मुंबई अगर देखना है तो वेदर के आगे मुंबई टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। 33 सेल्सियस जो है महाराष्ट्र मुंबई का टेम्परेचर है। अब हम जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको रुपीज़ को कन्वर्ट करना है, डॉलर को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे $100 in INR जैसे इंटर प्रेस करेंगे। आप अगर डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कि $100 जो है 7,454 रुपये इंडियन रुपीज होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 100 दिनार, इंटर प्रेस करेंगे, 100 दिनार जो है वो 24,421 रुपये इंडियन रुपीज होगा दिनार। इसके अलावा और किसी भी देश की करेंसी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब बात आती है, हम कैलकुलेटर टाइप करेंगे, कैलकुलेटर, तो हमारे सामने कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा। हम इसमें जो भी चाहें गुणा भाग करना चाहें तो गुणा भाग यहां से कर सकते हैं। तो जैसे इंटर करेंगे देखिए 12×122 1464, जो भी गुणा भाग करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रांसलेट करना चाहें तो आप यहाँ पर केवल टाइप करेंगे ट्रांसलेट, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ I am happy, मैं खुश हूँ। इसके अलावा आप किसी और भाषा में अगर चाहें तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश को किसी और भाषा में तेलुगू में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें, I am happy को ये तेलुगु में क्या लिखा हुआ है, नैनू संतोष का उन्नानू जो भी लिखा हुआ है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि गूगल जो है ढेर सारे डूडल बनाता है, जैसे कभी जो भी मशहूर शख्सियत रहता है, कोई स्पेशल दिन रहता है, तो उस दिन गूगल जो है वो डूडल बनाता है। अब आपको क्या करना है, गूगल पे आने के बाद बिना कुछ टाइप के I am feeling lucky पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे गूगल ढेर सारे डूडल जो है आपको बना देगा, जैसे गो फॉर वोट अमेरिका चुनाव हो रहा है तो वहां के लिए दिखा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आप किसी वीडियो कोई और टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें और हम वीडियो इस पर जरूर बनाएंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।